हमारे स्कूल का ये 5th एनुअल डे है और इस एनुअल डे में सभी बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं और सभी बच्चे पिछले एक महीने से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे, टीचर्स, पूरा स्टाफ, और इस दिन का हम सभी को पूरे साल से इंतज़ार होता है। और मधुसूदन ग्लोबल स्कूल पूरे मीरा रोड में इतना अच्छा, इतना ग्रैंड लेवल का एनुअल डे मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा स्कूल सेलिब्रेट करता होगा। तो मैं मेरी तरफ से सभी बच्चों को और उनको, उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और मेरे टीचर्स को भी। प्रोग्राम जो है हमारा, ये एक बेंचमार्क है कि एक वी आर सपोज टू बी एन SSC बोर्ड स्कूल, और जिस तरह से हम अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ के आसपास के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं अगर उनके एनुअल डे से कंपेयर करेंगे, हमारा एनुअल डे उससे कम नहीं है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं मैनेजमेंट, मेरे बच्चे और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन सबको बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मधुसूदन को चुना और आज वो स्टेज पे खड़े हैं। आज के मौके पर काफी बड़ी संख्या में बच्चे परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, इस तरह से उनको अवार्ड देके सम्मानित किया जाए। ये एनुअल डे हम इसीलिए करते हैं ताकि हर बच्चों का अवार्ड मिले जो हकदार है, हर टीचर का अवार्ड मिले जो हकदार है, हर स्टाफ मेंबर का अवार्ड मिले जो हकदार है। ये हम पूरे साल भर जो बच्चे मेहनत करते हैं उसका नतीजा होता है ये एनुअल डे सेलिब्रेशन। पिछले एक महीने से बच्चे मेहनत करते हैं, ना कि बच्चे, हर टीचर से लेके, स्टाफ मेंबर से लेके, दिन रात डांस परफॉर्मेंस से लेके, एक्टिंग से लेके, वो पूरे भूख प्यास मिट के ये चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं और आज उनको हम ये बड़ा स्टेज देते हैं जहाँ वो खड़े होके अपना शो दिखा सके, अपनी टैलेंट दिखा सकते और अपनी क्यूरियोसिटी को इतने बड़े स्टेज पे प्रेजेंट कर सके। थैंक यू। आज एक्चुअल में यहाँ पे बड़ा अच्छा एक वातावरण है, बच्चों के हिसाब से, जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके हिसाब से भी बड़ा अच्छा वातावरण है। लगता है कि आज के जो आधुनिक दौर पर जो आपको सिर्फ शिक्षा के साथ साथ एक एक्स्ट्रा उनको एक्टिविटी देना बहुत ज़रूरी है जिससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके, और उस हिसाब से यहाँ पे जो भी हमें नज़ारा समझ में आ रहा है ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, और बल्कि मैं तो यहाँ के स्थानिक लोगों से भी यही कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप आकर अपने बच्चों को एक एडमिशन करवाते हैं और आगे इनको बुलाते हैं तो आपका उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। बच्चों का परफॉर्म आपने देखा, कैसा लगा? बच्चों का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा है, लगता है जैसे कोई प्रोफेशनल्स ही कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत की है यहाँ पर। मधुसूदन शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने इस हिसाब से बच्चों को और इस वातावरण को तैयार करवाया, क्योंकि बेस होना बहुत ज़रूरी है, और जिस हिसाब की यहाँ पे तैयारियाँ हैं प्रोग्राम की, लोगों के आने जाने का अरेंजमेंट, वो देख के लगता है कि एक बहुत अच्छे तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने सारे चीज़ को अंजाम दिया है। और आगे हमारा जो हमने जो सपना देखा था मधुसूदन ग्लोबल स्कूल के, वो कहीं ना कहीं हम लोग आसपास पहुंच रहे हैं, और इस काम के लिए बच्चों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। देखिए आज जो एनुअल डे चल रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह नाच रहे हैं बच्चे, और ये देख के बहुत खुशी होती है, और ये देख के उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं। यही हमारा सपना है, बच्चे भी खुश रहे और पेरेंट भी खुश रहे, मेन टारगेट तो वही है हमारा। इस तरह से तैयारियां आप लोगों को करनी पड़ती है छोटे बच्चों को तैयार करने। सर ये तो आप देख रहे हो, बच्चों के साथ तैयारियां करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 30-40 बच्चों को स्टेज पे लाना और नहीं है, वो देख रहा नाच रहा है, तो उसको देख रहा नाच रहा है, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। माँ बाप सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं स्कूल के, और स्कूल की जिम्मेदारी होती है उनके बच्चों को संभाल के शिक्षा देना, आगे बढ़ाना। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को आपको सौंपते हैं? देखिए पेरेंट को तो हम लोग यही कहते हैं हमेशा कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उतना ही आप लोग उससे भी कम करिए, बच्चों के साथ मेहनत करिए, प्यार करिए, ताकि ये मत मारिए, मत ये मत करिए, वो मत करिए, लेकिन प्यार तो करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा आपको इस तरीके से चलो, इस तरीके से करो, डांटने से अभी तो पढ़ता ही नहीं, तो ये नहीं करता, ये तो वो नहीं करता, इस वेरी इम्पैक्ट। और ये हमारे स्कूल में ये सब टारगेट देते ही हैं और पेरेंट कर भी रहे हैं, अरे उसको कम नंबर मिले, हमको कम नंबर ज़्यादा मिले, ये नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन हर बच्चे का नहीं हो सकता। आगे आने वाले दिनों में आपके स्कूल और मीरा भाईंदर के अलावा किन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे? देखिए ऐसा है, हमारा स्कूल एक तो नायगांव में बन रहा है और एक पालघर में बन रहा है, और भाईंदर में हमारे दो तो हो गए, अभी एक और बन रहा है जून में शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इसमें सेटिस्फेक्शन क्या है कि पेरेंट बहुत खुश है हमारे साथ, और जो रिस्पेक्ट और जो प्यार बच्चों का मिलता है ना, वो आपको पैसे दे के कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता, किसी दूसरे बिजनेस में, दूसरे काम में नहीं मिलता। बच्चे जब देखते हैं, मिलते हैं,
मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, कैसे तो बड़ा प्यार लगता है ना, हमारे बर्थडे है, चेयरमैन सर का बर्थडे, चलिए सेलिब्रेट करते हैं। वो कहाँ, वो जादू आपको नहीं मिलेगा कहीं किसी दूसरे बर्थडे में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मधु जी काफ़ी तरक्की करें, ये शुभकामनाएं इनके लिए। और मीरा भाईंदर का ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, ये मैंने सुना है, काफ़ी लोगों से सुना है मैंने। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं उन लोग, उन बच्चों के साथ है, मेरा पूरा आशीर्वाद उन बच्चों के साथ है। बहुत सारे हैं, मैंने 100 से ज़्यादा सीरियल्स किए हुए हैं। चिड़ियाघर मेरा लास्ट था, कहानी घर घर की से लेकर, क्योंकि सास चाचा चौधरी का राका था मैं, और मैं बनूंगी मिस इंडिया, एयर होस्टेस, क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे। इसके अलावा तकरीबन 20-25 मैंने भोजपुरी फिल्म में एज अ मेन विलेन किया हुआ है, जिसमें बाजगिल डंका मेरी एक सफल फिल्म थी पवन के साथ। अभी कसम तिरंगे की कंप्लीट है, जिसमें 7 हीरो है और मैं मेन विलेन हूँ। जो बच्चों के पेरेंट्स आ जाए हुए हैं, हाँ, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? यही देना चाहूँगा कि ठीक है बच्चे मस्ती करते हैं, लेकिन उनको ये प्रेरणा दे कि बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह करें, उनमें अच्छे संस्कार वो पैदा करें, ताकि वो उनका और देश का नाम रोशन कर सकें। मेरा नाम नाजिया शेख है, आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ मधुसूदन ग्लोबल स्कूल। पांचवा एनुअल डे मनाया जा रहा है, भारी संख्या में पेरेंट्स और बच्चे आए हुए हैं, और सब सर हम बहुत खुश है, पूरे साल भर की टीचर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत है, स्कूल ने बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ऊंचे लेवल पे सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है हमने, स्टूडेंट्स को हम बहुत ज़्यादा बेस्ट देना चाहते हैं। कितना मुश्किल था बच्चों को परफॉर्म करना, तैयार करना, मंच पर लाना, कितना आपके लिए मुश्किल था? सर मुश्किल काम है, पर हमारा काम ही है एज अ टीचर ये सारी चीज़ें करना, तो हम इसे एंजॉय करते हैं और बच्चों को ये करवाने में हमें बहुत मज़ा आता है। मधुसूदन स्कूल की बात करें तो ऐसी क्या क्वालिटी है जो बाकी स्कूल से सबसे अलग है इसमें, सब कुछ बताएंगे? सबसे पहले ये एक स्टेट बोर्ड स्कूल है, जिसमें हम CBSE पैटर्न फॉलो करते हैं, और ये हमारे चेयरमैन सर का विजन है और उनका मिशन है कि हर बच्चे को स्टेट बोर्ड के साथ में हम CBSE का भी पैटर्न पढ़ाएं, और उन्हें इन स्टेट बोर्ड की फ़ीस में बहुत ज़्यादा जो CBSE और इंटरनेशनल स्कूल्स में करवा रहे हैं वो हम हमारे स्कूल में करवा रहे हैं। पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ट्रस्ट करके आप लोगों को? उसके लिए पेरेंट्स को स्कूल पे और टीचर्स पे भरोसा करना है, हम अपने बच्चों को अपनी बच्चों की तरह, हम पेरेंट्स को सेकंड मदर की तरह समझ के हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। टीचर हूँ और मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ साथ में, और मधुसूदन ग्लोबल स्कूल के साथ में पहले ही साल से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, अभी मुझे 5 साल पूरे हो गए यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग टाइम तक मधुसूदन के साथ में जुड़ी रहूँ। आज पांचवा एनुअल डे मनाया जा रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है हमारे घर की शादी जैसा लग रहा है कि घर के लोग सब एक एक्साइटेड है, बहुत बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों ने जो मेहनत की है, टीचर्स की मेहनत सब आज दिख रही है यहाँ पे। जैसे ही आपने कहा कि आप फर्स्ट ईयर से स्कूल से जुड़े हुए, तो 5 सालों में क्या बदलाव देखिए स्कूल में, क्या कुछ चेंजेस? बहुत चेंजेस है एवरी डे, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है, हम एवरी डे चेंजेस लाते हैं, बच्चों को देख देख के उनसे सीखते हैं, टीचर्स हमारी इतनी डेडिकेटेड है कि बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहती है, वो अच्छे से अच्छा देना चाहती है, 100% देती है टीचर्स। देखिए हमारा जो हमने जो सपना देखा था मधुसूदन ग्लोबल स्कूल के लिए, वो कहीं ना कहीं हम लोग आसपास पहुंच रहे हैं, और इस काम के लिए बच्चों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। देखिए आज जो एनुअल डे चल रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह नाच रहे हैं बच्चे, और ये देख के बहुत खुशी होती है, और ये देख के उनके पेरेंट भी खुश होते हैं। यही हमारा सपना है कि बच्चे भी खुश रहें और पेरेंट भी खुश रहें, मेन टारगेट तो वही है हमारा। सर ये तो आप देख रहे हो, बच्चों के साथ तैयारियां करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक 30-40 बच्चों को स्टेज पे लाना और नॉन एक्टर, मतलब डांसर नहीं है वो, उनको रोज सिखाना, एक दूसरे को देख रहा है नाच रहा है तो उसको देख रहा है नाच रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। देखिए पेरेंट को तो हम लोग यही कहते हैं हमेशा कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उतना ही आप लोग उससे भी कम करिए,
लेकिन बच्चों के साथ मेहनत करिए, प्यार करिए, डांटिए मत, मारिए मत, ये मत करिए, वो मत करिए, लेकिन प्यार तो करना पड़ेगा बच्चों को, समझाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से चलो, इस तरीके से करो, डांटने से यार तू तो पढ़ता ही नहीं, तू तो ये नहीं करता, तू तो वो नहीं करता, इट्स वेरी बैड। और ये हमारे स्कूल में ये तो हम टारगेट देते ही हैं और पेरेंट कर भी रहे हैं, अरे उसको कम नंबर मिले, हमको कम नंबर ज़्यादा मिले, ये नहीं होना चाहिए, कंपटीशन हर बच्चे का नहीं हो सकता। आगे आने वाले दिनों में आपके स्कूल और मीरा भाईंदर के अलावा किन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे? देखिए ऐसा है, हमारा स्कूल एक तो नायगांव में बन रहा है और एक पालघर में बन रहा है, और भाईंदर में हमारे दो तो हो गए हैं, अभी एक और बन रहा है, जून में शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इसमें सेटिस्फेक्शन क्या है कि पेरेंट बहुत खुश हैं हमारे साथ, और जो रिस्पेक्ट और जो प्यार बच्चों का मिलता है ना, वो आपको पैसे दे के कहीं भी कुछ भी नहीं मिल सकता, किसी दूसरे बिजनेस में, दूसरे काम में नहीं मिल सकता। बच्चे जो देखते हैं, मिलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं, तो बड़ा प्यार लगता है। अरे हमारे बर्थडे है, चेयरमैन सर का बर्थडे, चलिए सेलिब्रेट करते, वो कमाल, वो जादू आपको नहीं मिलेगा कहीं नहीं, किसी दूसरे फील्ड में नहीं मिलेगा।